I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. Famous stand-up comedian Veer Das एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं और इस बार वजह है अमेरिका में स्टैंड-अप शो के दौरान कही गई उनकी कविता टू इंडियास, जिसमें उनके ऊपर भारत का अपमान करने का आरोप लगा है। कोई उनके द्वारा कही गई इस कविता का विरोध कर रहा है तो कोई उनको सही ठहरा रहा है। वहीं अब कविता के चलते भारत के अपमान करने का आरोप झेल रहे कॉमेडियन वीर दास पर कांग्रेस पार्टी भी बंटी हुई नजर आ रही है। एक ओर जहां शशि थरूर और कपिल सिब्बल सरीखे कांग्रेस नेताओं ने वीर दास का बचाव किया है, तो वहीं कांग्रेस की सीनियर नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी इस हरकत को भारत का अपमान करने वाला बताया है। अमेरिका में कही गई अपनी इस कविता में वीर दास ने कहा था, भारत का दोहरा चरित्र है। मैं एक ऐसे देश से आता हूँ जहाँ दिन में औरतों की पूजा की जाती है और रात में उनके साथ रेप किया जाता है। वीर दास की इस टिप्पणी को लेकर उठे बवाल के बीच कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि यहाँ दो भारत हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भारतीय के तौर पर इसे दुनिया को बताया जाए। हम असहिष्णु और पाखंडी हैं। इससे पहले मंगलवार की रात को ही शशि थरूर ने वीर दास का समर्थन किया था और कहा कि वीर दास सही मायनों में स्टैंड अप कॉमेडियन है। शशि थरूर ने लिखा था कि वीर दास जानते हैं कि स्टैंड अप का अर्थ सिर्फ फिजिकल तौर पर खड़ा होना नहीं बल्कि मॉरल तौर पर भी खड़े होने से है। थरूर ने कहा कि वीर दास ने 6 मिनट की अपनी कविता में लाखों लोगों की बात कह दी। थरूर ने उस शख्स को टैग करते हुए ये बात लिखी थी जिसने कहा था कि वीर दास के खिलाफ उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शशि ने आगे लिखा कि हम जानते हैं कि ये भारत कहां से आता है। हालांकि सिब्बल और थरूर के उलट राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने वीर दास का तीखा विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की बुराई को सबके साथ जोड़ना और दुनिया के आगे भारत को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पश्चिमी दुनिया के सामने भारत को सपेरों और लुटेरों का देश घोषित करने वाले लोगों की आज भी कमी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार वीर दास विवादों में घिर चुके हैं। दिल्ली में ऑर्गेनाइज एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो के दौरान वीर दास को डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में टिप्पणी करने पर बीच शो में ही रोक दिया गया था और ऑडियंस मेंबर्स ने पुलिस में भी उनकी शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि कॉमेडियन वीर दास ने बीते सोमवार को यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया था। आई कम फ्रॉम टू इंडिया शीर्षक से अपलोड किया गया ये वीडियो वॉशिंगटन DC के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में उनकी हालिया प्रस्तुति का हिस्सा था। इस 6 मिनट के वीडियो में दास ने देश के कथित दोहरे चरित्र के बारे में बात की। उन्होंने COVID-19 महामारी, दुष्कर्म की घटनाओं और हास्य कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई से लेकर किसान प्रदर्शन जैसे मुद्दों को अपनी प्रस्तुति में उठाया। इस वीडियो क्लिप का एक हिस्सा काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वीर दास कह रहे हैं कि मैं एक ऐसे भारत से आता हूं जहां दिन में स्त्री पूजा होती है और रात में उसके साथ दुष्कर्म होता है। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. जिसके बाद इस मामले पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है और लोग जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिससे उनकी मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। हालांकि इस पूरे बवाल के बाद कॉमेडियन वीर दास ने सफाई दी है और कहा कि मेरा इरादा देश का अपमान करना नहीं है। मेरा इरादा देश का अपमान करना नहीं बल्कि ये याद दिलाना था कि देश इन तमाम मुद्दों के बाद भी महान है। मैंने एक ही विषय में दो अलग अलग विचार रखने वाले लोगों के बारे में बात की है। ये किसी तरह का कोई रहस्य नहीं है, इसे हर कोई जानता है। लोग भारत को उम्मीद के साथ देखते हैं, नफरत के साथ नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।